Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 12th class students. हम e-learning के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने e-learning की definition देख ली, e-learning का impact society पे क्या पड़ता है हमने देख ला, e-learning के जो दो categories के benefits थे, benefits for students, benefits for teachers, वो हम देख चुके. Now, limitations क्या है e-learning के? Obviously बात है, हर एक चीज के कुछ ना कुछ limitations होते हैं, तो e-learning के भी कुछ limitations है, कुछ ऐसी सीमाएं हैं या ऐसी कुछ कमियां हैं e-learning में भी, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि e-learning अभी तक पूरी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है. तो फर्स्ट वन इज लेक ऑफ कॉन्वर्सेशन, दैट मीन्स बातचीत की कमी ट्रेनी और ट्रेनर के बीच, मतलब सीखने वाले और सिखाने वाले के बीच, टीचर और स्टूडेंट के बीच जो एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन फेस टू फेस होना चाहिए, उसकी कहीं ना कहीं कमी आ ही जाती है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जिसके कारण कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स या तो अपने डाउट्स पूछ नहीं पाते हैं या उनको वो टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता है, जिसके कारण मतलब उनके लिए वो वीडियोज या वो ऑनलाइन क्लासेस उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है. सेकेंड थिंग, लेस इम्पैक्टिव, दैट मीन्स कम प्रभाव पड़ता है अगर आपकी मेथड्स में, टीचिंग मेथड्स में आपने कुछ ऐसे कोर्स मटेरियल या ऐसे लर्निंग मटेरियल का यूज किया है जो उस टॉपिक से रिलेट नहीं करती है. दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके पढ़ाने के तरीके में और उसके प्रभाव में, उसके इम्पैक्ट में कमी आ जाती है, तो स्टूडेंट बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं एंड देन वो फिर ध्यान भी नहीं देते. थर्ड थिंग, अगर आप ई लर्निंग की बात करो, दैट मीन्स पहली चीज आपके पास गैजेट्स होना जरूरी है, लाइक कंप्यूटर सिस्टम होना जरूरी है, लैपटॉप होना या मोबाइल फोन होना, ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होना जरूरी है जिसके बेसिस पर आप अपने ई लर्निंग्स कंटिन्यू कर सको, सीखने वाला भी और सिखाने वाला भी. सेकेंड थिंग, गैजेट्स होने के बाद उन गैजेट्स को हैंडल करने का, रन करने का, उस पर कमांडिंग का पूरा नॉलेज एक स्टूडेंट और एक टीचर दोनों के पास होना चाहिए, ताकि वो इजीली कॉन्वर्सेशन कर सके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ई लर्निंग के थ्रू. ई लर्निंग के बारे में दैट मीन्स वीडियोज बनाना या ऑनलाइन क्लासेस लेते वक्त स्टूडेंट्स की क्वेरीज सुनना, माइक ऑन रखना, कैमरा ऑन रखना, बहुत सारी चीजें होती है. तो दैट मीन्स छोटी छोटी स्किल्स में परफेक्ट होना जरूरी है. अगर छोटी छोटी स्किल्स में यूजर, सीखने वाला या सिखाने वाला परफेक्ट नहीं है, तो दैट मीन्स ई लर्निंग में डिस्टर्बेंस होता है, प्रॉब्लम्स आती है, जिसके कारण क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाती है, एक फ्लो के साथ कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो उसके कारण प्रॉब्लम्स होती है. तो ये कुछ लिमिटेशंस थे ई लर्निंग के. नेक्स्ट वीडियो में हम ई लर्निंग के कुछ मेन वेबसाइट्स देखेंगे और ई लर्निंग के चैलेंजेस क्या है, कि ई लर्निंग को अभी भी डेवलप होने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है वो पढ़ेंगे. अगर आपको इसके लिमिटेशंस के बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं.